اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي भांजे हैं सगे घर में जाके अब कमाई धेले की भी नहीं है, यहीं बैठे हुए हैं, कमाई धेले की भी नहीं है। जाहिर है 17-18 साल में कौन कमाता है। अब बयान सुनते रहते हैं मामू का, मैं मामू हूं उनका, तो घर में जाके अपनी माँ से बोल रहे हैं, अब्बा उनके बाप ने मुझे बताया, हमारे बहनोई ने, कि यार ये तो अजीब ही किस्म की बातें शुरू कर दी इन्होंने। मैंने कहा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं यार ये कह रहे हैं कि पहली शादी किसी बेवा से कर लेते हैं, अभी तो पैसे हैं नहीं। तो मैंने कहा बेवा को भी तो कहीं से खिलाएंगे। कह रहे हैं वो मामू से सुना था कि भाई पहले कहीं छोटा मोटा किराए पे घर ले लो, किसी गरीब लड़की से कर लो, तो कच्ची आबादी में 2000 पे कमरा मिल जाता है। 2000 पे क्या मिल जाता है बोलो भाई, कमरा मिल जाता है। तो किसी बेवा से करके फिलहाल गुजारा करते हैं। एक इंजीनियर बन रहा है NED यूनिवर्सिटी में, बाद में जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, अर्निंग आएगी, तो फिर एक और कर लेंगे, अभी फिलहाल किससे कर लो, कच्ची आबादी में। तो मैंने उनसे वैसे ही मजाक से कह रहा था यार डिफेंस चल के रहते हैं। कह रहे हैं हम कच्ची आबादियों का सोच रहे हैं, आप हमें कहाँ लेके जा रहे हो डिफेंस में, वहाँ कौन घर खरीदेगा, कौन किराए देगा। तो वो मुझे बता रहे थे कि बहनोई साहब के यार ये तो अजीब अजीब बातें। तो मैंने कहा जब बयान में बैठेंगे ये तो होगा। ये तो, और मैंने कहा आप थोड़ी देर के लिए सोचो इसमें बुराई क्या है। नहीं यार ये बात, अब माँ बाप ना यहाँ के एकदम बरगला जाते हैं, यार ये क्या हो रहा है, हमारा बच्चा तो बावला हो रहा है, पागल हो रहा है। देखो जो किसी चीज़ को मुसल्लत कर लोगे तो पागलपना लगेगा, हल्का लोगे तो बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। मैंने कहा बिल्कुल नॉर्मल है भाई, तुमने बच्चों को खिलाया पिलाया, एनडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी दिलवा दिया, अपनी जिम्मेदारी आपकी हो गई पूरी। बोलो भाई जिसने शादी करनी अपने खर्चे पे कर ले, पालना खुद है ना, हमने थोड़ी पालना है, बस गैर खानदानी औरत नहीं आने देंगे हम, क्योंकि उससे खानदान क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तलाक याफ्ता से करो, बेवा से करो, बच्चों वाली से करो, कमारी से करो, लेकिन खानदान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब जाहिर है आगे नस्ल भी पैदा होगी तो वो खानदान की तो ऐसी की तैसी हो जाती है अगर आप कोई गलत औरत ले आए। मैंने कहा अपनी टेंशन है ना, उठाने दो ना, एक बेवा से करेगा जब रहेगा ना 2000 रेंट पर, समझ में आ जाएगा उसके कि मैंने सही किया या क्या किया, गलत किया, और सही ही किया समझ में आएगा इंशाल्लाह। नहीं यार ये बात है, अच्छी अच्छे खानदान की आएगी तो क्या होगा। तो कहने का अच्छे खानदान की मिलती कहाँ है। मैंने कहा नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे। क्या हो गया भाई, जब तक रिश्ता नहीं मिलेगा तो, जब तक नहीं मिलता तो हवा से थोड़ी शादी हो जाती है, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, नहीं करेंगे। बात तो ये ना कि मिल जाए तो, मिल जाए तो भाई अपनी टेंशन है भाई, खुद ही उठाओ, तुम्हें कच्ची आबादी में रहो कि पक्की आबादी में रहो, हमसे मिलने रोजाना आ जाया करो। तो इसमें क्या है, कल भी तो यही होना है ना। क्या हो गया यार, देखो जब तक ऐसे 2-4 सर फिरे और पैदा नहीं होंगे, इनकलाब नहीं आएगा। मुआशरे में तब्दीली के लिए खोपड़ी का घूमना जरूरी है। खोपड़ी घूमेगी तो फिर बेवा औरतों को भी सहारा मिलेगा, तलाक याफ्ता को भी, मुआशरे में जिना खत्म होगा, खुद भी बुराई से बचेगा इंसान, जिम्मेदारियां पड़ेंगी, वरना ये लौंडे लपाड़ों का क्या एतबार, अभी तो नेक शरीफ बने हुए, 2 मिनट लगते हैं बिगड़ने में, हैं तो लौंडे लपाड़े ना माजरत के साथ, भैया बैठे हुए कंवारे छड़े छाटे, 2 मिनट लगते हैं। तो जब हमारा बयान सुनेंगे ये तो होगा। तो मैं तो लोगों को पहले से कहता हूं कि बच्चों को शादी बाले हुए, मेरा तो अपना बच्चों के बारे में इरादा है, जैसे जैसे बेटे बाले हुए बोलेंगे अब्बू शादी करा दो, बोले मैं बोलूंगा भाई रिश्ता देखने में जा सकता हूं, कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं, हमने अपनी कर करके आधे हो गए हम तो भाई, अब तुम्हारी भी कराएं यार, एक लाइन लगी हुई है, हमारे यही काम रहेगा, इसके अलावा कोई और काम नहीं है। तो कहीं देखने जरूर जाएंगे, ऐसा ना कोई उल्टी सीधी आड़ी तिरछी कोई भी उठा के ले आए, बच्चों को थोड़ी तजुर्बा होता है, वालदैन को पता होता है ना कि हमारे खानदान में मैच भी होगी कि नहीं होगी, कहीं भी कोई भी भगा के ले आओ, पता चला पता नहीं क्या निकले वो। तो रिश्ता देखने हम जाएंगे, जिम्मेदारी हमारी, तुम्हें पालना था, तुम्हें अच्छी तालीम दिलानी थी, वो हमारी NED यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दिया ना, और क्या चाहिए भाई, ये हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, तुम जानो और तुम्हारी जो लाइफ है वो जाने। अब औलाद का हक है कि वो वालदैन को पाले, समझ में आ रही है बात, अब वालदैन नहीं पालेंगे, अब कौन पालेगी, औलाद, वो अपनी बीवी का ख्याल भी करेंगे, अपने वालदैन का भी ख्याल करेंगे, अब ये उनकी जिम्मेदारी है। वालदैन
सारी जिंदगी जो औलाद की टेंशन लेते हैं ना, इससे डिप्रेशन में जाते हैं। औलाद की टेंशन बच्चे को बालिग करने तक, बस इसके बाद अब आपकी टेंशन नहीं है भाई, कमाना है कमाओ। अच्छा उसी बहनोई की मैं बात बता दूं, क्योंकि हमारे साथ ही बचपन में पले बड़े हैं, हमारे मदरसे में ही हमारे हजरत से ही ताल्लुक था, तो अच्छी तरबियत हुई है ना, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह डिप्रेशन के अलावा सब कुछ है उनके पास। उनका एक बच्चा इम्तिहान में फ़ेल हो गया, यही बैठा हुआ है राफे खान, बच्चा इम्तिहान में फ़ेल हो गया। आज हमारा बच्चा जो लोगों में होता है, बच्चा फ़ेल हो जाए तो क्या हालत होती है वालदैन की, एक अजाब में जाते हैं ना, एक टेंशन, फेल हो गया, हाय हाय, पूरे साल कमबख्त की फीसों पे खर्च किया और स्कूलिंग पे, और नाश्ते बना बना के देती रही मैं, कपड़े इस्तरी करती रही, फ़ेल हो गया, कितनी टेंशन लेते हैं और बच्चे को भी अजाब में डाल देते हैं। इम्तिहान का अजाब कैसा होता है यार, पागल हो जाता है आदमी। एक तो इसलिए कि फ़ेल हो गया तो वैसे ही तरक्की नहीं कर पाऊंगा, दूसरा अब्बा अम्मा क्या कहेंगे, इतनी टेंशन बच्चों को दे रहे हो, इससे बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी मेरे भाई, बच्चा कोई बड़े काम नहीं कर सकता। बालिग होने तक तरबियत करो, फिर उसको आज़ाद छोड़ दो। हाँ, ऐसा आज़ाद नहीं कि चरसियों में उठना बैठना शुरू कर दे, तरबियत के हवाले से तो निगरानी हो। बाकी बेटा तू कारोबार करना चाहता है कारोबार कर, तू डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टर बन, तू रक्षा चलाना चाहता है मेरी बला से तू रक्षा चला ले, अब तेरा मुस्तकबिल है, कोई मसला नहीं है, तो आज़ाद ज़िंदगी गुजारो यार। तो उनका बच्चा ये फेल हो गया राफे खान एक पर्चे में, घर में आके बताया, घर वालों को गुस्सा आया, फेल हो गया, अब्बा को बताया, अब्बा को तो ज़्यादा गुस्सा आना चाहिए ना, अब्बा ने कहा कोई मसला नहीं है, आखिरत के इम्तिहान में थोड़ी फेल हुआ है, दुनिया के इम्तिहान में फेल हुआ है, सप्लीमेंट्री में पास कर लेना, नहीं हुआ तो रक्षा चला लेना, टैक्सी चला लेना, बिजनेस कर लेना, कुछ भी कर लेना, ये तुम्हारा हेडेक है मेरा हेडेक, बोलते क्यों नहीं, तो बच्चे को भी टेंशन नहीं थी, बच्चा खुश। यार ज़बरदस्त, देखो ये जब इंसान खुश होता है ना तो ज़्यादा अच्छे काम कर लेता है। मैंने डॉक्टरों को भी देखा है जो दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं, टेंशन ले लेके पढ़ पढ़ के ना पागल हो चुके हैं। खुशी के साथ पढ़ो तो फ़ायदा होगा। मेरा अपना स्टडी का तरीका पता है क्या है, आप हैरान हो जाएंगे, मौली साहब पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, मेरा ये अपना कंप्यूटर पे बैठ जाऊंगा, लैपटॉप पे जो भी रिसर्च आदीस जमा करनी है किसी मौजू पर, आधा घंटा दिमाग लगाया, आप देखा दिमाग में थकावट महसूस हो रही है, बंद कर दिया, बंद कर दिया, गए ऐसे बच्चों के साथ खेले, बाहर आया, हाँ भाई, जब तक दिमाग बिल्कुल फ्री नहीं हो जाता दोबारा कंप्यूटर के आगे नहीं बैठ, क्योंकि टेंशन में काम नहीं होता। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की हिफाजत करनी है वो अपनी खोपड़ी है, इसे टेंशन में नहीं लाना, स्ट्रेस में नहीं लेकर आना, इसे खुश रखना है। जितना दिमाग खुश रहेगा ना काम अच्छा करेगा, खुद भी खुश रहोगे दूसरों को भी। डॉक्टरों को देखो ना, इतनी टेंशन में बैठे हुए होते हैं पढ़ पढ़ के, और क्लिनिक में 12-12 घंटे क्लिनिक में अभी बैठे हो नहीं, नुस्खा पहले लिख दिया होता है, अभी आप बैठ के डॉक्टर को बता रहे होते हैं मुझे हुआ क्या है, डॉक्टर ने कीड़े मकोड़े हैं भाई। ऐसा ही होता है कि नहीं? अरे डॉक्टर साहब सुन तो लो, सुनने का डॉक्टर के पास टाइम बहुत कम, डॉक्टर होते हैं जो बड़े आराम से बैठ के आपकी बात तसल्ली से सुनते हैं कि पहले आप अपनी बात कंप्लीट करें, और ऐसा डॉक्टर ज़्यादा कामयाब होता है। लेकिन ऐसे डॉक्टर मार्केट में क्या हैं, शॉर्ट। और ये तसल्ली से बात वो सुनेगा जो खुश होगा, जिस पे काम का दबाव नहीं होगा। लेकिन उस पे काम का दबाव है कि यार दर्जनों पेशेंट बैठे हुए हैं, उनको थर्मामीटर दे के खामोश कराया हुआ है मैंने, तू अपनी पूरी कथा सुनाएगा, पैदाइश से लेके अब तक के वाकया सुनाएगा, तो बाकियों को कैसे चेक करूँगा। इसलिए आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके घर में आओ, आराम से रिलैक्स होके बैठो। तो इतना टेंशन काम की जब होगी तो मेरे भाई आदमी का दिमाग क्या हो जाएगा, ख़राब। तो बच्चा पास हो गया, वेल डन, ज़बरदस्त, ये लो अंडे वाले बर्गर के पैसे या कुछ भी खिलाते हैं उसको। फेल हो गया, कोई बात नहीं बेटा, फेल हो गया दोबारा मेहनत कर लो यार, और अगर दिल नहीं लग रहा पढ़ाई में तो बताओ यार, कोई और काम लगा देते हैं। जरदारी का दिल लगता था पढ़ाई में, सदर बन गया कि नहीं बन गया, क्या हो गया भाई। तो भाई ये चाहे दुनिया की कामयाबी हो या आखिरत की कामयाबी, इसके उसूल कुछ और ही हैं जो मेरी और आपके समझ में नहीं आएंगे। ये लगाम अल्लाह के हाथ में है, किसके हाथ में, अल्लाह के हाथ में, कि कहाँ से किसको कैसे कामयाब करना चाहता है। कितने लोग हैं उनकी फील्ड नहीं थी, फील्ड जो थी उनकी उसमें घुसे तो कख भी नहीं आया, और गैब से अल्लाह ने रिज़्क़ के दरवाजे उनके लिए खोले हैं। जिस चीज़ को आप निजात का ज़रिया समझ रहे हो, कामयाबी का, वो ज़रिया नहीं होता बाज़ दफ़ा। और सारे ही अगर पढ़ लिख के इंजीनियर बनेंगे तो मज़दूर कहाँ से लाओगे। तो इसलिए टेंशन लेने का, बोलते क्यों नहीं भाई,
तो बच्चे पास हो जाएं बहुत, और ये एक एक दो दो बच्चे हो रहे हैं ना, इसकी वजह से भी टेंशन होती है। एक ही दो बच्चे हैं तो अब यही अगर फेल हो गए तो हमारा तो मुस्तकबिल, वालदैन कहते तबाह हो गया। इसलिए बच्चे भी होलसेल के हिसाब से, इनमें एक ना एक तो इंशाल्लाह निकल ही जाएगा। बल्कि अगर 8-10 बच्चे हों तो बिगाड़ने की भी कोशिश करोगे ना, फिर भी एक ना एक क्या होगा, सुधर ही जाएगा। अगर पूरी कोशिश करोगे सबको चरसी बनाने की, एक तो ऐसा होगा जो बोलेगा अब्बा मैं चरस नहीं पीऊंगा, कोशिश नहीं करोगे बिगाड़ने की। तो ये दो दो एक एक बच्चों की वजह से भी ये टेंशन वालदैन लेते हैं कि हमारे पास तो अभी देखो ये इकलौता होता, तो इकलौता होता तो फिर फेल होना अब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये फेल हो गया, दूसरा निकल गया आगे, तो ये किसी और फील्ड में निकल जाएगा, क्या ख्याल है? नहीं तो बेवा से शादी करके 2000 में एक कमरा लेगा, एक नया एक्सपीरियंस आएगा। फिर जब ये एक्सपीरियंस आएगा इसका, तो फिर ये शादी दफ्तर खोलेगा, लोग इसके पास आएंगे, बोलेंगे यार आपका तजर्बा शादियों का बहुत है, इसी पे पैसा कमा लेगा। ये मजाक कर रहा हूँ, हकीकत नहीं है, लेकिन ये कि पढ़ाई में दिलचस्पी लेते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है तो फेल हो गए तो अगली दफ़ा कामयाब हो जाएंगे। तो मेरे भाई सबसे जो अहम वो इमरान खान ने कहा था ना, सबसे पहले वो आपको क्या घबराना नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना है, घबराना नहीं, ये बिल्कुल सही कहा था। फिर क्या हो जाएगा, आदि हो जाएंगे। वो एक आदमी नजूमी, एक गरीब आदमी किसी नजूमी के पास गया और कहने लगा कि मुझे यहाँ ख़ारिश हो रही है, नहीं सॉरी, एक बादशाह ने नजूमी को बुलाया और कहा कि मुझे यहाँ ख़ारिश हो रही है, ये किस चीज़ की अलामत है? नजूमी ने कहा कि लगता है आप एक और मुल्क फतह करने वाले हैं। बादशाह ने कहा मुझे यहाँ भी ख़ारिश हो रही है, ये किस चीज़ की अलामत है? उसने कहा आपके एक शहज़ादा पैदा होने वाला है। उसने कहा मुझे यहाँ भी ख़ारिश हो रही है। उसने कहा ये होने वाला है। उसने कहा यहाँ भी। उसने कहा आपको ख़ारिश की बीमारी है, आप फौरी तौर पर इसका इलाज करें। एक गरीब आदमी किसी के पास गया नजूमी के, नजूमी ने उसकी हथेलियाँ देखी, हथेली में कुछ नहीं लिखा होता है, अभी ड्रामा है ये। नजूमी ने कहा आप मज़ीद 5 साल तक गरीब रहेंगे। वो खुश हो गया। उसने कहा फिर क्या होगा? उसने कहा फिर आपको गुर्बत की आदत हो जाएगी, आपके लिए टेंशन। तो असल मकसद तो भाई टेंशन का है ना, अगर गुर्बत की आदत हो गई, टेंशन नहीं ले रहा, तो उस मालदार से अच्छा है ना जो टेंशन ले रहा है। तो अपने दिमाग को और ये टेंशन ख़त्म पता है कब होगी? आखिरी बात बस, जब दुनिया को मुसाफिर खाना समझोगे, फिर टेंशन फ्री से। अब देखो ये बच्चा फेल हो गया तो इसके अब्बा को पता है दुनिया मुसाफिर खाना है। अब्बा के अल्फाज क्या थे? भाई आखिरत के इम्तिहान में फेल नहीं होना चाहिए, वो टेंशन है असल। ये फेल हो गए तो क्या हो गया, असल आखिरत है, आखिरत में फेल ना हो, क्योंकि ये दुनिया तो वैसे ही, जो फेल होंगे वो भी खबर में जाएंगे, जो पास होंगे वो भी खबर में, तो टेंशन तो लेनी नहीं। और मैं आपको बता दूं, इस टेंशन फ्री जिंदगी में बच्चों को रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा पढ़ लेगा वो। पढ़ाई कभी ज़बरदस्ती नहीं होती, ये तो दिमाग से निकाल दो कि आप गन पॉइंट पर बच्चों को पढ़ाओगे, नहीं पढ़ेगा वो, पास कर लेगा, नंबर अच्छे आएंगे, उसमें एबिलिटी और काबिलियत पैदा ही नहीं हो, कमाऊ पूत भी बन जाएगा वो, कमाऊ पूत भी बन जाएगा, किसी अच्छे इदारे में जॉब लग जाएगी। लेकिन जो काबिलियत है ना, क्रिएटिव सोच है, वो कभी भी, वो हमेशा टेंशन फ्री लोगों में होती है। हमने देखो स्कूलों में पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा, इसी वजह से आज मेंबर पे बैठा हूं मैं। जो इस नहीं पढ़े का मतलब, जिस तरह से स्कूल हमें पढ़ाना चाह रहा था उस तरह से हमने नहीं पढ़ा। मैं क्या करता था, जब केमिस्ट्री या फिजिक्स में जो इक्वेशंस होती थी ना, हमें टीचर पढ़ाते थे, मैं उस इक्वेशन को समझने की कोशिश करता हूँ, तो पुरानी बात हो गई, मुझे बहुत सी इक्वेशंस याद भी नहीं है, मैं उसको समझता था। वेलोसिटी का एक लॉ पढ़ा था हमने, और एक प्रोजेक्टाइल मोशन वो पढ़ी थी हमने, बहुत सारी चीज़ें मैं घर में आके तजर्बे करता था, यार ये तो बड़ी दिलचस्प चीज़ है। मैं क्या करता था, जब हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो स्कूल से ग्राउंड से हम घर आते थे ना ऐसे तिरछे, तो मैं अपने दिमाग में सोचता था कि यार अगर मैं यूं जाता और फिर यूं जाता तो कितना टाइम खर्च होता, लेकिन मैं क्रॉस में जा रहा हूं तो इतना कम टाइम खर्च हो रहा है, तो ये एक त्रिकोण बन रही है ना मुसल्लस। तो मैं जो स्कूल में मुसल्लस के और त्रिकोण के और ट्रिग्नोमेट्री के जो लॉ पढ़े होते थे वो ग्राउंड पे फिट कर रहा होता था। यहां तक कि मेरी फुफो रहा करती थी शाह फैसल कॉलोनी, तो नेवल कॉलोनी हॉक्स बे रोड से मैं जब उनके घर जाता तो मजदा में मैं मीटर को देखता था, वो जो मीटर है ना, कभी 60 पे आ रहा है कभी 40 पे आ रहा है। तो मैंने जो फिजिक्स में उसूल पढ़े थे कि अगर कोई चीज इतने किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चले तो इतनी देर बाद वहां पहुंच जाएगी, तो मैं नोट करता रहता था कि 40 किलोमीटर कभी 60 पे आ रही है तो एवरेज 50 किलोमीटर है, और
तो इस और हम फिर मैंने टाइम नोट, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने टाइम नोट किया, हम डेढ़ घंटे में शाह फैसल पहुंचे। इसका मतलब मेरे घर से शाह फैसल कॉलोनी का रास्ता इतने किलोमीटर है, ये मैं निकालता था बैठ के, नहीं आ रही। लेकिन स्कूल में नालायक बच्चों में शुमार होता था, क्योंकि जब सारा दिन ये बैठ के निकालते रहोगे तो उस टीचर ने जो होमवर्क दिया है वो कौन करेगा? पिटे स्कूल में दबा के होमवर्क मुकम्मल होता ही नहीं। होमवर्क क्या मिलता था? टीचर ने कहा हुआ था केमिस्ट्री में ना, ये जितने फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना कॉपी पे लिख के लाओ। मैं कहता था जब यहां लिखे हुए हैं तो मुझे कॉपी पे लिखने की जरूरत क्या है? मैं यही सोचता, अबे भाई मैं क्यों राइटिंग सही कर रहा हूं क्या? जब यहां लिखा हुआ है तो इसलिए तो लिखा है कि यहां ना लिखना पड़े। सुबह जाते थे, पहले तो स्कूलों में धुनाइयां बहुत होती थी, 90s की बात कर रहा हूं मैं, अब तो मारते नहीं, पहले पिटाइयां होती थी, लेकिन हम टीचर की कभी बेकरामी नहीं करते थे। तो सुबह जाते ही जब देखा होमवर्क में लिखा हुआ ही नहीं है कुछ, क्योंकि हम तो सारा दिन बैठ के क्या कर रहे हैं, फुप्पो के घर का फासला नाप रहे हैं ना बैठ के। फिजिक्स में ये पढ़ाया जाता था, केमिस्ट्री में ये, तो हम तो फुप्पो के घर का क्या नाप रहे थे कि कितने किलोमीटर फासला है, हम तो ये बैठ रहे हैं। अब जब स्कूल पहुंचे तो आप मेरे क्लास फेलोज हैं, अभी भी बहुत सारे हैं, उनसे पूछ लें आप। जाते ही सबसे पहले हाथों पे धुनाई लगती थी, डंडे लगते थे, जब ज़्यादा पिटाई होती थी हेलीकॉप्टर बना दिया जाता था ना ऐसे करके, बगैर कुर्सी के बैठ जाओ। वो बैठे हुए, एक दफ़ा हमारे महल्ले से लोग मिलने के लिए आए हमें स्कूल में ना, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो हम हेलीकॉप्टर बने हुए थे, उसको हम हेलीकॉप्टर कहते थे, ऐसे हाथ ऊपर करके बगैर कुर्सी के बैठे हुए हैं, तो आप देखो कैसी रानों का क्या हशर होता होगा। लेकिन एक लफ्ज़ टीचर के खिलाफ नहीं बोलते थे, तरबियत थी घर, क्योंकि हमें पता था घर में अगर टीचर की शिकायत कर दी तो टीचर इतना नहीं मारेगा जितना अब्बा मारेंगे। ये पता था, अब्बा बोलेंगे भाई उस्ताद है यार। तो ये ट्रेनिंग थी। तो अगर हम उसी तरह मखनचुओं की तरह पढ़ते रहते स्कूल में बैठ गए, और माँ बाप भी तपाड़ चपाड़ चपेट लगाते रहते, तो भाई आज मैं मिंबर पे बैठ गए, दूसरी शादी की बातें। बोलो भाई, ये भी तो एक सोच है ना, एक नज़रिया है ना कि माशरे में क्या हो रहा है, इसका हल ये है, ये थोड़ी कर रहे होते हम। तो वही कमा वो जैसे होते हैं बेचारे, किसी पैंट पहन के किसी जॉब कर रहा होता मैं, शाम को तनख्वाह लेके घर आता, घर वाले भी खुश होते हैं और सब खुश होते हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा कमाऊ, पूत बना हुआ है हमारा बच्चा। तो यही हो रहा है, इसलिए बच्चों को आज़ाद रखो। हाँ, बुरी सोहबत में ना बैठना, बुराई से रोको उनको, बदतमीज़ी और बेअदबी ना करने दो। बाकी बोलो बेटा जो बनना चाहते हो बन जाओ। हमारे अब्बा ने भी हमें बोला, मैंने जब मुझे अब्बा आलिम बनाना चाहते थे, मैंने कहा नहीं मैं पाकिस्तान नेवी में जाऊँगा, मेरे वाले साहब नेवी में थे। फिर मेरा अपना माइंड चेंज हुआ, मैंने कहा आलिम बनूंगा, अब्बा ने कहा नहीं बेटा अब नेवी में जाओ, मैंने कहा नहीं आलिम, अब्बा ने कहा ठीक है बेटा आलिम बन जाओ। नहीं यार ये बात, भाई मौलाना बनने का शौक है तो क्या बन जाओ, मौलाना बन जाओ। अगर अब्बा उस वक्त मुझे कहते हैं नहीं नहीं, क्योंकि जब मैं ये चाह रहा हूँ तो उसमें मैंने फिर अपने शौक से आया ना। अरे जो काम अपने शौक से होता है उसमें इंसान तरक्की करता है, अपने शौक से आया। तो जब उधर का शौक था नेवी में जाने का, अब्बा ने कहा चल तेरे को नेवी में करा देता हूँ। जब शौक हुआ कि नहीं इधर आना है अब्बा मैंने आलिम बनना है, अब्बा ने समझाया ज़रूर कि बेटा आसान रास्ता नहीं है, लेकिन जब मैंने ज़िद की अब्बा ने कहा ठीक है बेटा कहाँ चले जाओ, आलिम बन जाओ। बल्कि सपोर्ट किया, मुझे साथ दिया, बोला बेटा पढ़ो, पैसों की परवाह नहीं करना। अल्लाह उन्हें जजाय खैर दे, उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने कहा पैसों की परवाह मत करना, मैं जब तक जिंदा हूँ फुल सपोर्ट। भाइयों ने भी सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने भी मैं ऐसे मदरसे में बैठ के खाता था, लोग समझते थे बड़ी लैंडलॉर्ड फैमिली से इसका ताल्लुक है, घर से खर्चा इतना मिलता था, वो समझते थे मालदार लोग, जो बड़े बड़े मालदार थे ना, बड़ी ताजिर पार्टियां हुई थी, असल तो ये है ऐसे, जो जब जिस चीज़ के खाने का मूड हुआ खा लिया। वालदैन ने सपोर्ट किया, भाइयों ने सपोर्ट किया, समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। तो भाई आपके अंदर जो एबिलिटी है, जो कुदरत ने आपके अंदर सलाहियत आपके बच्चों में रखी है, हर एक को अल्लाह डॉक्टर नहीं बनाना चाहता, हर एक को इंजीनियर नहीं बनाना चाहता, हर एक को कमीशन ऑफिसर नहीं बनाना चाहता, हर एक को मौलाना भी नहीं बनाना चाहता, जिसको जो बना। मैं तो माँ बाप को मना करता हूँ, बच्चा मदरसे में दिल नहीं लगा रहा, नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ाओ इसको, कुछ और बना दो यार, टाइम ज़ाया नहीं करो। बाज़ उलमा ये करते हैं कि अपने बच्चे को आलिम बनाना है गन पॉइंट पे, नहीं पढ़ रहा मदरसे में भाग रहा है, तू पढ़ेगा, तू मौलवी का बच्चा है, तेरा बाप भी मौलवी बनेगा। वो नहीं पढ़ेगा, वो नतीजा क्या निकलता है कि आलिम तो दूर की बात, वो अच्छा इंसान नहीं बनता, फिर वो खराब हो जाता है। भाई तू जो बनेगा बता दे। हमारे एक दोस्त है आलिम है, बहुत कोशिश की अपने बेटे को आलिम बनाने की, नहीं बना। तो वो कहता था मैं आर्मी में जाऊँगा, मेरे उस्ताद के पास आया जिनसे मैंने बहुत पढ़ा है,
उन उस्ताद के पास आए, वो मैं अपने बच्चे को आलिम बनाना चाहता हूँ, ये बनता नहीं है, ये कहता है मैं आर्मी में कमीशन ऑफिसर जाऊँगा। उन्होंने कहा इसको भेजो आर्मी में कमीशन ऑफिसर, ये बहुत काम करेगा इंशाल्लाह, ये वहाँ जाके अच्छे काम करेगा, इसकी तरबियत बस अच्छी करो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई, जिसने जो बनना है अल्लाह ने सारे शोबे जिंदा रखे हैं। और अगर किसी ने बिज़नेस करना है मेरे भाई तो उसको बिजनेस, कोई टैक्सी चला रहा है तो मत रोको, किसी को शौक है रक्षा चलाने का चला ले भाई, तू रक्षा चला ले, कुछ नहीं होता, रक्षे चलाने वाले भी इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। ये कोई कौम के पस लोग नहीं है, समझ रहे हो, समझते हैं पता नहीं रक्षा चला लिया तो पता नहीं हम तो मुआशरे में मुँह दिखाने के काबिल, ऐसा कुछ नहीं है। मुआशरे में मुँह दिखाने के काबिल वो नहीं होता जो चोर हो, समझ रहे हो, जो करप्ट हो, ईमानदार है, इज्जतदार लोग उसकी इज्जत करेंगे, चाहे वो मोची हो, चाहे वो रक्षा चला रहा हो, चाहे वो सब्जी बेच रहा हो। तो इज्जत जो है ये अल्लाह के हाथ में है, और इज्जत वाले काम जो जिसको अल्लाह ने इज्जत वाला काम कहा उसको इज्जत वाले काम कहा जाता है। आप ये तय नहीं करेंगे कि किस चीज़ में इज्जत है किस चीज़ में जिल्लत है। दो नंबरी वाली इज्जत चाहिए तो ये हमारे चोर हुक्मरान जो है ना इनके पास ये इज्जत ज़्यादा है, इनकी ज़्यादा इनको प्रोटोकॉल मिलता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही बना दो तो फिर बना दो आप। तो इसलिए अपने बच्चों पे ज़्यादा सख्ती न किया करें, और ख़ुद भी अमन शांति के साथ। और बात निकाह की चल रही थी कि भाई बहू आएगी इस घर में, बोलो ना, नहीं आएगी वहीं रखो उसको, तमीज़ से हम भी जाके मिल लिया करेंगे, ईद बकरीद पे आ जाया करो, मिलने रोज़ाना आ जाया करो, बहू को भी ले आया करो, थोड़ा सा सर पे हाथ रख लेंगे, हो सकता है थोड़ी बहुत, और फिर अपनी खुशी से खिदमत कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो बहू से भी गन पॉइंट पर खिदमत किसी का बाप करवा सकता है, नहीं करवा सकता। बाज़ अच्छे ख़ानदान की होती हैं वो ख़ुद से सास की खिदमत करती हैं, उनको बयान सुनने और तरगीबात की ज़रूरत नहीं होती, वो ख़ुद से ससुर की खिदमत करेंगी। और जो नहीं होंगी मेरे भाई उनको आप जितने मर्दी सुना दो वो नहीं होंगी। तो फिर भी जॉइंट फैमिली में जो लोग अच्छी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो अलग होने की कोशिश ना करें, लेकिन ऐसा होता है नहीं, बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, काफ़ी ज़्यादा हो गया आज। सुभानकल्लाहु वबिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका वनतूबु।